7 News, हर जगह हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 स्पेशल, मैं हूं फैसल अब्बासी। आज खैबर से कराची तक पाकिस्तान में जलसों का मौसम रहा है। करक में जमात इस्लामी, मतनी में मुस्लिम लीग नून, साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने तिब्बत सेंटर पर जलसा किया है। मुस्तफ़ा कमाल ने अल्टीमेटम दे दिया है मेयर कराची वसीम अख्तर को, कह दिया है कि अगर उनके पास इख्तियारात नहीं हैं तो वो 30 दिन में मुस्ताफ़ी हो जाएं, और अगर 30 दिन तक वो मुस्ताफ़ी ना हुए तो हम जलसा नहीं करेंगे बल्कि अगला लाहे अमल देंगे। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा है कि कराची के अवाम ने पिछली कई दहाइयों से खड़ा बुत तोड़ दिया है, और यह भी कहा है कि आज आकर देख लिया जाए कि कराची के अवाम का मैंडेट क्या मुनकसिम हुआ है या नहीं हुआ है, कराची के अवाम ने अपना मैंडेट किसको दे दिया है। ये बात अलग है कि पाक सरजमीन पार्टी की इस वक्त ना ही कोई कौमी असम्बली में और ना ही किसी सूबाई असम्बली में कोई नुमाइंदगी है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ये दावा करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद अजम की नगरी शहर कराची का मैंडेट अब पाक सरजमीन पार्टी के पास है। क्या ये सवाल मुसद्दिका है, क्या ये उनकी जस्टिफिकेशन काफ़ी है कि जलसा करने से कराची के अवाम ने उन्हें मैंडेट दे दिया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ये कहती है कि कराची के अवाम ने मैंडेट उन्हें दिया है, लेकिन MQM लंदन और PSP ये कहती है कि अगर ये मैंडेट उनके पास है तो वो मुस्ताफ़ी हों और दोबारा से इलेक्शन लड़ें। ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन कराची के अवाम का दरअसल मैंडेट नामालूम अफराद के पास है। पिछली कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि अगर कोई कत्ल होता है, कोई चोरी होती है, कोई हादसा होता है, वारदात होती है, कोई ज़ख्मी होता है, अस्पतालों में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो जनाब हर जगह यही हमें सुनने को मिलता है कि नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट ली गई है। ऑपरेशंस भी बहुत हो रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान को लेकर भी कराची में कार्रवाइयाँ तेज़ की गई। कराची ऑपरेशन के नाम से भी एक ऑपरेशन पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन कराची के अवाम के मसाइल अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। बुनियादी वजह क्या है? क्या मुस्तफ़ा कमाल के दावे आज इस बात को लेकर मान लिए जाएँ कि वो इससे पहले उन लोगों के साथ नहीं थे जिन पर आज वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? जमात इस्लामी के यहाँ से मेयर रहे हैं, जमात इस्लामी ने काफ़ी अरसे तक कराची पर हुकूमत की है, कराची की इंतजामिया जमात इस्लामी के पास रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का किरदार क्या है? कराची के अवाम के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? इस मुद्दे पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपने वक्त दिया। उनके साथ मौजूद हैं आमिर मलिक साहब, तज़ियाकार हैं, बाकी जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नुसरत साहिबा, इससे पहले कि मैं मसाइल पे आऊँ, इससे पहले कि कराची का तस्करा करें, पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या ये वही चादर है जो इमदाद बताफ़ी साहब ने आपको पहनाई है? जी बिल्कुल, ये वही चादर है जो मुझे उधर उस दिन असेंबली में पहनाई गई थी। ठीक, मसला कहाँ पर है? नामालूम अफराद, दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम्स, अवाम के मसाइल, पीने का साफ पानी नहीं, कराची का कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं? देखिए जी, कराची को ओन तो बहुत सारी पार्टियां करती हैं, करती रहीं, लेकिन कराची का दर्द किसी ने नहीं समझा। कराची में जिस तरह की इस वक्त हालात हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट के हवाले से आप देखें, कराची में पीने का पानी नहीं है, इतनी बड़ी माफियाएँ काम कर रही हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स बने हुए हैं, कचरे की जगह जगह अंबार है, रोड्स टूटे हुए हैं, दुनिया के चंद अच्छे बड़े शहरों में इसका एक नाम लिया जाता है, लेकिन जब कराची में कोई दाखिल होता है तो हैरान हो जाता है कि ये कराची है। तो कराची को सबने एक सवाल मेरे जहन में आता है, आप आज ही लाहौर आई हैं, पहले भी आती रही हैं, जब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा लैंड करता है कायद अजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो फील क्या करता है, डिफरेंस क्या फील बस करता? यही तो एक बहुत लंबी सांस लेते हैं, ठंडी सांस, आह की तरह, दर्द की तरह, दुख की एक आह होती है कि जब लाहौर आते हैं तो उतरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं जब अपने साथ आज मेरी कलीग्स हैं दूसरी MPAs, हम आपस में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि जब कराची में हम धूल मिट्टी से अटे हुए, इतनी बुरी हालत है, इस वक्त तो तोड़ फोड़ की हुई है, रोड्स टूटे फूटे हैं, लेकिन जब कराची में आए, अच्छा दरख्त नहीं, ग्रीनरी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जब लाहौर में एकदम से आँखें ठंडी हुई, हमने देखा कि जिस सड़क से हम आ रहे थे, जिस रोड से, दोनों तरफ इतनी खूबसूरती, उसको डेवलप किया हुआ है, हर जगह देखें तो सफाई सुथराई नज़र आ रही है,
फ़र्क साफ ज़ाहिर है। ये तो चले हम एरोप्लेन में आए, जहाज में आए, लेकिन जब हम बाय रोड सिंध, अपने सिंध से पंजाब की तरफ रुख करते हैं तो एकदम से चेंज हो जाता है माहौल, और जो देखते हैं एक फर्क। ठीक, तो ये मैं इस पे आऊंगा नुसरत साहब, मैं इस पे आऊंगा कि ये जाहिर है, ये तो एक जनरल फीलिंग आती है कि जब आप लाहौर से या इस्लामाबाद से कराची लैंड करते हैं तो देखते ही एहसास महरूमी होता है, फर्क तो साफ नजर आ ही जाता है। मैं इस नुकते पे आऊंगा, इन हालात का जिम्मेदार कौन है? मलिक साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज पावर डिमॉन्स्ट्रेशन की है, किस तरह का ये जलसा था, क्या इसको जलसा कंसिडर किया जाए या जलसी ही तसव्वुर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 करोड़ की आवाम में से अगर 2-2.5 हज़ार अफराद इकट्ठे कर लिए हैं तो ये खुशाइन बात है। मतलब मैं इसकी मुखालफत नहीं करूँगा, PSP को कराची के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कराची में PSP आने के बाद से इस वक्त ये हालात हैं कि कम अज़ कम कराची के आवाम को ये एक मौका मिल गया है कि वो अपनी बात कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जैसे खुशाइन बात है वो MQM के उन अफराद के लिए कि जो कम अज़ कम पहले कभी इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं करते थे, वो अपनी इख्तलाफ कर लेते हैं। ये तीन लोग एक ही पार्टी में से 3 पार्टियाँ निकली हुई हैं और ये बात जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मतलब यह है कि यही मुस्तफ़ा कमाल साहब थे जिन्होंने II चंद्रीगढ़ रोड का एक जैसे कहते हैं कि इफ्तिताह जब किया बनाने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और अगली बारिश में वो रोड बह गई। अगर आज कराची का ये रोना रोते हैं कि जी पानी नहीं है, तो 30 साल तक उस पानी माफिया का, उस रोड माफिया का, उस बिल्डर माफिया का ये हिस्सा रहे। कल रात को आपने एक बड़ी मानखेज चीज़ देखी होगी कि फारूक सत्तार साहब जो हैं वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए गिर गए। भाई वो गिरे नहीं, MQM मुँह के बल गिरी है। उसकी वजह यह कि पिछले 30 सालों से उन खेलों के ग्राउंडों को इन्होंने जुमा बाजार, इतवार बाजार और चाइना कटिंग के मास्टर वसीम आफ्ताब के जरिए ऐसा कर दिया था कि कराची की वो आवाम। वसीम आफ्ताब या वसीम अख्तर? वसीम आफ्ताब जी, जो अभी PSP के बहुत बड़े लीडर हैं, वो चाइना कटिंग के मौजूद हैं। चुन्नू मियाँ के साथ वसीम आफ्ताब साहब जो हैं वो मिलकर चाइना कटिंग किया करते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, रेंजर की प्रेस रिलीज के अंदर मौजूद है ये बात। और बेसिक ये है कि कराची का शहरी, कराची का जो नौजवान था वो क्रिकेट का दीवाना था। उससे ग्राउंड छीन लिए गए, उससे खेलों की ग्राउंडें ख़त्म कर दी गई, बागात छीन लिए गए। आज अगर उनको ये एहसास हुआ है कि कराची के लोगों को खेलों की ग्राउंड चाहिए, तो आपने देखा कि ग्राउंड में जाने के बाद उनको पता ही नहीं था कि ग्राउंड में करते क्या, और वो गिर पड़े। हमारा अलमिया ये है कि कराची शहर पिछले 30 सालों से नामालूम के हाथ में है, और वह नामालूम से जिस दिन मालूम के हाथ में आएगा उस दिन कराची के तमाम मसाइल काबू में आ जाएंगे। पिछले 30 साल से वहाँ पर तमाम अफराद काम कर रहे हैं, तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, जमा इस्लामी भी मौजूद है, PTI भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, MQM तो है ही मौजूद। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में MQM की 3 धड़े होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कराची की 2nd लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर। इस वक्त कराची को सेकेंडली ओन जो करती है मुस्लिम लीग नून करती है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त अगर किसी के ऊपर है तो वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। मुस्लिम लीग को और उसकी कायदीन को, मुस्लिम लीग की तो गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे सर, 2nd लार्जेस्ट लोग हैं लोग। तो सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी वहाँ 3रे नंबर की जमात है भाई कराची शहर के अंदर। इस वक्त जो 2रे नंबर की जमात है जो हुकूमत में वफाक में हुकूमत कर रही है, उसका फर्ज है कि कराची के लोगों को रिलीफ दें, कराची के लोगों को वहाँ जाके उनकी जख्मों के ऊपर नमक छीना करें, उनके मरहम रखें वहाँ पर। उनकी ये जो रोड्स का काम शुरू किया है कि कल रात को बगैर किसी को बताए वाटर बोर्ड का MD जो है वो उठता है और मेट्रोपोल को खोद के फेंक देता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुमने इतनी बड़े शहर के, कराची इज़ अ मेट्रोपोलिटन सिटी नहीं, इट्स अ कॉस्मोपोलिटन सिटी। दुनिया के 5 बड़े शहरों के अंदर इसका नाम होता था, आज दुनिया के 17वें पसमानदा शहरों के अंदर इसका नाम आना शुरू हुआ। इसको नाम को लाने वाले कोई बाहर से नहीं आए लोग, ये वही लोग हैं जो इस शहर को ऑन किया करते थे, ये वही लोग हैं जिसकी सरकारत को ऑन करते थे। नुसरत साहब बस जान लो, नुसरत साहब आपकी जमात भी मेजर स्टेक होल्डर है सिंध में, ऑपोजिशन का बड़ा जानदार किरदार आप लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन कराची के इन हालात में आने का जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदारी किस सियासी जमात पर, किस इदारे पर डाली जा सकती है? देखिए जी, बिल्कुल इसकी जो जिम्मेदारी आप डाल सकते हैं खुलेआम, इस चीज़ को सबका पता है कि ये पीपल्स पार्टी और MQM का है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने रिकन्सीलिएशन के नाम पर कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने देखा कि MQM और पीपल्स पार्टी का आपस में इलहाक, फिर अलग हो जाना, फिर इलहाक,
फिर अलग हो जाना, वो सिर्फ अपने मफादात में एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन कराची की आवाम सिर्फ उन्हें तकती रही, देखती रही कि हो क्या रहा है। इस तरह सिर्फ वजारतों के मज़े ले लेना और उसमें आप अपनी आवाम के इशूज़ को भूल जाएँ, तो ये सारी चीज़ें, पीपल्स पार्टी भी उसकी, पीपल्स पार्टी तो मेन रिस्पॉन्सिबल है ना, वो तो रियासत रही पिछले 5 सालों में और अभी 3 साल, 8 साल कोई पार्टी रूल करे और फिर भी कराची का ये अशर हो कि अब आपको जगह जगह टूट फूट है, थोड़े थोड़े रोड वो हैं, आप इलीगल हाइड्रेंट्स के लिए सुनते रहे, चीख चीख के रह गए हम लोग असेंबली में कि खुदा रहा ये इलीगल हाइड्रेंट्स आपसे नहीं संभाले जा रहे, ये इतनी बड़ी माफिया है क्या, कौन सी माफिया है? जब असेंबली में पूछें तो हम मजबूर हैं, हम जब तोड़ने जाते हैं तो कोई बना देता है, भाई कौन बना देता है? यही चीज जो है ना, जो खुद को मजबूर और मजलूम जाहिर करना, मतलब बहुत से मसाइल हैं उससे साहिबा, इलीगल हाइड्रेंट्स का तस्करा आपने किया, बेअमनी मसला, पानी है, नहीं है, गटर से मिला हुआ पानी मिल रहा है, तालीम मसला है, सेहत मसला है, हर किस्म के मसाइल हैं, हर किस्म के मसाइल हैं और इतने मसाइल हैं। अगर इसको विल हो ना, अगर बैड गवर्नर्स को छोड़कर गुड गवर्नर्स की तरफ आ जाएं, तब्दीली, एक सीएम हटा दिया, दूसरा सीएम आ गया, सीएम जो है इस वक्त वो बड़े दौरे कर रहे हैं, पता नहीं चलता रात को 2 बजे वो किस सड़क पे खड़े हैं, इस तरह तरक्की होती है, इस तरह डेवलपमेंट होगी। एक सीएम इतना मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी अपने दफ्तर में बैठ कर वो एक हुक्म करे और काम हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है काम। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए कराची को तबाह बर्बाद करने में इन दोनों पार्टियों के, मैं बिल्कुल कहूंगी कि इन दोनों की वजह से, इनके अपने मफादात की वजह से कराची इस वक्त रो रहा है, कराची रो रहा है। सेनेटर शाही सैयद साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे भी बात कर लेते हैं। कराची के अवाम का खासा मैंडेट इनके पास भी रहा है। शाही सैयद साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि आज अवाम ने देख लिया कि कराची के अवाम का मैंडेट किसके पास है। ये बात अलग के कौमी और सूबाई असेंबली में PSP की कोई निशस्त नहीं है, लेकिन ये जलसा आप समझते हैं जो दीगर कराची की सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, उनके मुकाबले का था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल, जो सियासी पार्टियां होती है उससे बड़ा जलसा था, बड़ा कामयाब जलसा था। अब मसला है कि वोट किसको देंगे, इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन किसकी निगरानी में होगा, अलकाबंदियां कैसी होगी, ये बड़े सवाल थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो एक्शन में 4 बातें बताई थी कराची के मसले का हल। एक है डिवेपनाइजेशन, दूसरा जो सियासी भर्तियां मेरठ में जो कत्ल हुआ है, सियासी भर्तियां हुई, तंजीमें बनी हुई है, पुलिस नहीं है, KMC KDA आपकी जितने भी इदारे वो सिर्फ तंजीमें अमाजागा बनी हुई है। और फिर ये कि जो मिलिटेनमेंट है वो खत्म करना और फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है, तो यहाँ इलेक्शन कभी हुआ नहीं है। और जलसों जलूस से अलग चीज है, लेकिन जब इलेक्शन आ जाए और लोग वोट डाले वो बात पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज उसका शो अच्छा था और बेहतरीन शो किया। शाही सैयद साहब, डीवेपनाइजेशन, अभी पहले नामालूम अफराद थे, उनके साथ साथ एक और इंकशाफ होता है, नामालूम असलहा। ये असलहे का वाली वारिस कौन है? ये कैसे इतनी बड़ी तादाद में असलहा जखीरा हो जाता है? कभी हमें प्लॉट से मिलता है, कभी पानी के टैंक से मिलता है, कभी घर से मिलता है, कभी छत से मिलता है, ये असलहा कहाँ से आ गया? देखो, ये तो 2007 में जब हालात कराची के जिस तरह खराब हुए थे, 7 में 8 में 10 में, तो रहमान मलिक ने बोला कि यहाँ पे इसराइली वेपन भी है और यहाँ पर कंटेनर भी गायब हुए है और यहाँ पे असले के ढेर तो है। यही बात थी जो सुप्रोटेक्शन में कहा था कि कराची असले का ढेर है और आज दिन तक वो रिकवरी हो रही है, असले बरामद हो रहा है, लेकिन जो जिस घर से मिले, जहाँ से मिले, बंदा नहीं मिल रहा। तो ये बातें तश्वीशनाक है, इसलिए हम कहते हैं कि कराची का अमन बिल्कुल, ये रेंजर्स को क्रेडिट जाता है, फौज को, इधारों को, सबको जाता है, पुलिस को भी जाता है, पुलिस की भी कुर्बानी है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। अगर आप इसके मास्टरमाइंड को ना पकड़े, और वो मास्टर वो तो कराएंगे टट्टू को, फिर पकड़ के लेगा, फिर कराची के हालात को खराब कर देंगे। तो अभी ये जो असला जहाँ से मिल रहा है, किसने लाया, किस पर्पज से लाया, क्यों इतना बारूद का ढेर कराची को बनाया गया, उसको खत्म किया जाए। ये तमाम सजेशन थी, वो चीफ जस्टिस भी चले गए, कराची बेअमनी केस की लंबी लंबी समात हमने कवर की, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये मसला क्या है? क्या सारी सियासी जमातों की, क्या कराची के स्टेक होल्डर्स की नीयत ही ठीक नहीं है कराची को सुधारने के लिए? देखिए, मसला यह है कि वहाँ पर जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, शाहिद सैयद साहब भी हैं, सैर अब्बासी साहिबा की भी तंजीम है,
पीपल्स पार्टी भी वहाँ मौजूद है, जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है, सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सही सिंत में काम करने को तैयार ही नहीं। मसला यह है कि अब आप वहाँ पर देखें कि एक घर से, एक 40 गज के घर से 400-400 वोट बाहर आएंगे, 200-200 वोट बाहर आएगा, या टैंक से 90 के साथ वाले घर से टैंक से कंटेनर के बराबर असला बाहर आया और वो पता लगे कि किसी नामालूम का था, तो मसलन ये तो समझ में आता है कि कटी पहाड़ी या बनारस या किसी कब्रिस्तान में तो दफन किया हुआ असला जो है वो नामालूम हो सकता है, लेकिन किसी के घर से बरामद होना इसका मतलब वो मुखबरी के तहत बने बरामद हुआ ना, किसी ने बताया गया फ़लाँ जगह फ़लाँ खाने में फ़लाँ चीज़ रखी है, लेकिन नाम इसलिए नहीं है कि अभी वो काम या वो जो चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं हुई। ये मेरी राय है, क्योंकि अभी तक कोई भी पार्टी है, जो ये सारी पार्टियाँ कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, इनमें से किसी ने भी अभी तक अपने इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं किया। अभी तक कराची शहर के अंदर ये जो मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं मलिक साहब इस पे आऊँगा, मैं सर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी आऊँगा, इदारों को जी पोलिटिसाइज करने पे भी आऊँगा, बिलखसूस पुलिस को। लेकिन नुसरत साहिबा, जाहिर है आए दिन आपने पहले कहा कि हम आवाम के मसाइल को लेकर बिल पेश करते हैं, नहीं सुना जाता, रद्द हो जाता है, सब चीज़ें होती हैं, ये असलहे के मामले पर अभी तक ऑपोजिशन ने सिंध असेंबली में क्या किया? बिल्कुल जी, असले के हवाले से बहुत सारे रेजोल्यूशन जमा हुए, इस पर बात करने के लिए बहुत फोर्स भी किया गया, लेकिन इस चीज़ पर बात करने को तैयार कोई नहीं है। बात तो ये है कि हम तो बिज़नेस लाते हैं, बिज़नेस को उसकी एडमिसिबल करना, उसे डिसअलाउ कर देना, ये तो सामने ट्रेजरी बेंचेस की होती है, उनकी अपनी मर्जी का बिज़नेस होता है, तो घंटे 4-4, 8-8 घंटे उस पर बाकायदा बहस भी होती है और माइक उनका खुला रहता है, लेकिन जब असल इश्यूज आते हैं, जब आवाम से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उस पर जनाब फौरन हमारा माइक भी बंद हो जाता है और हमारा जो बिज़नेस है वो इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि इसको हम टेबल किया जाए। तो ये आजकल असेंबलीज में इस तरह का सिलसिला है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो आवाम के असल इश्यूज हैं, जो जिसको सुनकर जज साहिबान भी रिमार्क्स दे देते हैं कि भाई ये गटर का पानी पीकर सिंध के लोग जिंदा कैसे हैं, ये लाड़काना में कई ऐसी डेवलपमेंट के हवाले से इतने अरब चले गए और वहाँ पर तरक्की नहीं है, ये पैसा कहाँ चला गया, तो इस तरह के रिमार्क्स जब जज साहिबान भी दें तो एक मेरे ख्याल में एक अलमिया है, एक ऐसा सिचुएशन हो जाती है जिस पर हम सब जो है वो बैठे रो रहे हैं कि एक तरफ लाहौर में इतनी तरक्की है, एक तरफ 8 साल किसी पार्टी को मिल जाएँ, तो मैं तो कहती हूं कि वो तो फिर अपने आप को एक मिसाल कायम करें कि इतना आइडियल वक्त मिला है, हम हर इशू पर काम कर सकते हैं। असल में मसला कहां पे है, क्या नियत ही नहीं है, चल रहा है पीपल्स पार्टी को ये यकीन है, इस भरम में है कि हमें अगली बार भी इक्तदार मिल जाएगा, हम रूरल सिंध से इक्तदार लेंगे और यहाँ के हुकूमत करेंगे, यही वजह है? देखिए जी, 18 अमेंडमेंट हो गई ना, 18 अमेंडमेंट के बाद पीपल्स पार्टी, उसके बाद हर सूबे की अपनी मर्जी है ना, वो वफाक के अंडर नहीं आता है, वफाक अब उसको कुछ भी करे वो सूबा खुद मुख्तार हो गया। अब पीपल्स पार्टी के पास 3 सूबे नहीं रहे, एक सूबा है वहां पर वो बादशाहत चलाए बैठे, बादशाह जो जी अब में आता है वो करते हैं, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, SPs उनके, मुख्तियार कार उनके, मतलब हर तरीके से वो रूल कर रहे हैं। अब जब वो रूल कर रहे हैं तो आप ये मुझे बताइए कि अगर अगले दफ़ा भी आप कह रहे हैं, तो जब सब लोग उनके इलेक्शन कमीशन को रोते रहते हैं, ऐसे ऐसे सबूत जाकर दिए, वीडियो उनको जाकर दिखाएं कि खुदारा ये देखें अंदर बैठे उनके MNAs MPAs ठप्पे लगा रहे हैं, तो वो उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी सारी पार्टियां जो जितनी भी हैं वो उस पर बैठकर बात करें, उसको ठीक करने की एक अगर इलेक्शन भी नहीं ठीक हुआ, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं आए और इलेक्शन कमीशन भी एक खुद मुख्तार होने के बावजूद नहीं हुआ, तो मुझे बताइए कब तब्दीली आएगी? कभी नहीं इस तरह होने वाला, ये इसी तरह सिलसिला चलेगा और इसी तरह आप कह रहे हैं ना फिर इनको वोट मिल जाएगा, तो वोट तो इनको ठप्पे का और इसका मिलता है, क्योंकि सारी पुलिस 8-8 अजला की पुलिस एक जिले में ले जाते हैं ये लोग और वहां से आराम से जीत जाते हैं, तो मुझे बताइए फिर ये फखरिया कहते हैं कि हमारे हम ही जीतेंगे, हमारे पास ही सारे लोग आएंगे, भाई दूसरे लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों पर आप उनको सारी जिंदगी गाय बकरी के उसमें मुजरिम बनाकर बैठ जाते हैं, वो बेचारे जमानतें करते फिरते, तो फिर आप नहीं जीतेंगे तो बेचारा आम शख्स जीतेगा। ठीक, शाही सैयद साहब इलेक्शन रिफॉर्म से मुतालिक बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने धरना भी दिया, भरपूर कैंपेन चली, उसके बाद कमेटी बनी जो न जाने कब से गैर फाल है, जब तक इलेक्शन कैंपेन नहीं होंगी आप समझते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में
अगले इलेक्शन में कोई तब्दीली होगी? देखिए, अगर आप याद करें तो 2013 में इलेक्शन से 2 महीने पहले हमारे मरकजी सदर असलम वली ने एक बात कही कि हम समझ रहे थे कि इलेक्शन पखरू भाई कर रहे हैं, वो तो हकीमुल्ला मसूद ने करवाया। और आपने देखा कि एन इलेक्शन वाले दिन भी हमारे कैंप पे धमाका हुआ जिसमें 17 लोग शहीद कराची में हुए, 56 लोग जख्मी हुए। सर, पीपल्स पार्टी का भी यही शिकवा है। और पीपल्स पार्टी को भी और एनक्यूएम को, तीनों को उन्होंने तालिबान ने बगल हकीमुल्ला मसूद ने नाम लिया और हमें काम नहीं करने दिया। तो जहाँ पे इस किस्म के अगर मुल्क में आंसर हो और वो चीजें हो तो वहाँ पे इलेक्शन का क्या तवक्को है? लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनी है पार्लियामेंट है, इसके लिए हमारे को रिफॉर्म की जरूरत, इलेक्शन कमीशन की भी है, हमारे पार्लियामेंट की रिफॉर्म की जरूरत है, हमारे पार्टियों की रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म लाना चाहिए। हमारी जो मजहबी पार्टी है वो इस चीज में तैयार भी नहीं होती है कि अगर आपको उसके बारे में अभी हमने मदारिस में रिफॉर्म लिया, बोला नहीं हमारी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। तो हर आदमी यहाँ पे पूरा है, वो दूसरे का इंतजार चाहते हैं, अपना चाहता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे, कुछ इदारे ऐसे, सर रिफॉर्म्स के लिए पहला कदम कौन उठाएगा? सर रिफॉर्म्स के लिए पहला कदम कौन उठाएगा? क्या एएनपी ये रिफॉर्म्स के लिए पहला कदम उठाने को तैयार है? देखो, अगर आप याद करें तो मैंने 2000 पहले मैं कराची में डिवेपराइजेशन कर डाला और कराची में सेनेट ने ये पास भी करा दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के भी मैंने डाला था कि अलकाबंदियां कराची के सही नहीं है। और यहाँ पे हमारे लोगों के जो फॉर्म भरे गए थे वो पेंसिल से भरे, और जब वो पेंसिल के बाद राइट करके उन्होंने बड़े पेंसिल लगवा करके, और हमारा बंदा रहता है बल्दिया में, उनका वोट है कुरंगी में। यहाँ पे हमारे 40 से 50 लाख पख्तून कराची में आबाद है, हमारी 2 सीटें ली, गलती वजुहत क्या है? यहाँ पे जो है प्रॉब्लम तो है, इसको रिफॉर्म की जरूरत है। अब सबने मिल बैठ करके करना है, कराची को कराची वाले को मर्जी पे रहने दो, तो जिसको भी वोट दे। ये टप्पे लगना, ये बदमाशी होना, ये दादागिरी पे मसले हल नहीं होंगे। कराची के मसाइल का हल भी वाइस जो चीफ जस्टिस ने बताया उन बातों है। शाही सैयद साहब, एक साल है तकरीबन आने वाले इलेक्शंस में, उससे पहले क्या ओपोजिशन की जमातें, ठीक है करप्शन को लेकर तो एहतजाज हो रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से इलेक्शन होते हैं फिर हमें नया एहतजाज मिलना पड़ेगा धांधली वाला, फिर वही एहतजाज होगा, वही सब बातें होंगी। तो उससे पहले ही अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं जिसपे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों, इसके लिए अब कौन है जो पहला पत्थर कौन फेंकेगा, पहला कदम कौन उठाएगा? देखो, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई और वो अभी काम कर रहा है, कुछ तजावीज दिए भी है, लेकिन हमारे इदारों को अपना रोल खुद अदा करना पड़ेगा। देखो, मजबूत मुल्क जो मुल्क होता है, मुल्क चलता है आइन पे, आइन चलता है अपने इदारों पे। हमारे सारे इदारे मजबूत होना चाहिए, हमारे इलेक्शन कमीशन भी मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट मजबूत होना चाहिए, इंतजामिया भी मजबूत होना चाहिए, हमारी जुडिशरी का जो हाल है वो भी मजबूत होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अपना रोल अख्तियार जो है उसको दिए हुए, उसको इस्तेमाल करे। जिस तरह से लाहौर में NA 122 में इलेक्शन हुआ, वहां पे एक पार्टी ने कोई 80-90 करोड़ रुपए खर्च करवाए, इलेक्शन रूल के मुताबिक 15 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो अपना एक्शन ले लेते और उनको डिसीड कर लेते कि भाई ये आप लोगों ने जो रूल पालू नहीं किया, लिहाजा आपका इस चीज हम खत्म कर दे, लेकिन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी अपना रोल पूरा अदा नहीं कर रहा। अब जब तक अपने अपने इदारे अपना रोल अदा नहीं करेगा तो ये मसाइल रहेंगे। मलिक साहब, शफाफ इलेक्शन भी कराची में मसाइल का बड़ा पेश खैमा है। देखें, अभी जब ये 22 अगस्त के बाद से कराची की फिज़ा जो घुटन से बाहर खुलकर आई है, उसके अंदर अब हमारे इदारों को चाहिए, चले पहले मसाइल थे कि जो नहीं कर सकते थे, जानों को ख़तरा था, अब तो कम अज़ कम मामलात बेहतर हैं पहले से, लेकिन कोई चीज़ करने को तैयार नहीं है। मेन मसला यह है कि मुशर्रफ के दौर में इन्हीं PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो नाजिम हुआ करते थे, अरबा रुपये लुटाया गया कराची की तरक्की के लिए। आज हालत क्या है, 5-6 सालों के अंदर सब ज़ीरो हो गया। अगर कोई काम प्रॉपरली किया होता या इस सोच के साथ किया होता कि हम इस कौम को बना रहे हैं या इस शहर को बना रहे हैं या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी रोड या कोई भी इदारा या कोई नाले या गलियां जो हैं वो 2-4 साल में ख़त्म हो जाया करती हैं। मसला ये है कि आपने इस शहर को इस हद तक घुटन में लेके चले गए, इसके नाले तजावीज़ात में चले गए, नालों तक की चाइना कटिंग कर दी गई। आज आपको गुजर नाले के आगे जब वो निकलता है तो उसके बाद आपको गुजर नाला मिलता ही नहीं है, वहाँ आपको आगे दुकानें या घर मिलते हैं। उसकी बेसिक वजह यही कि ये पिछले 30 सालों में इस शहर को बंदरबाट करते रहे, खाते रहे, लूटते रहे। आज मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब मुस्तफ़ा कमाल रोना शुरू करते थे, वो रोते किस बात के ऊपर? मतलब सारा काम तो उन्होंने अपने हाथ से किया, रोना किस बात पर आ रहा होता है?
मतलब आप अंदाजा लगाएं कि वो रोना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे तो रोना आ रहा है कि जी इस शहर में ये हुआ। अरे भाई इस शहर के जिम्मेदार थे तुम, पाकिस्तान दुनिया के दो नंबर में, ये वर्ड बड़ा अजीब सा है लेकिन दो नंबर नाजिम और मेयर बने हुए थे, मतलब क्या किया तुमने। मतलब आज आप उठा के देख लें इनके साथ अनीस कायम खानी जो इनके सदर हैं, ये चेयरमैन है वो सदर है, वो कराची से सक्कर तक जितने भी इनके टॉर्चर सेल या इनके मिलिटेंट विंग था उसका वो इंचार्ज है। वो आज मासूम बने हुए हैं कि यार हमें कुछ नहीं पता, ये आवाम हमारे साथ होगी और हम इस आवाम के लिए हमने अल्लाह को राजी कर लिया। जिस वक्त लोगों को साथ बुरा कर रहे थे या उस वक्त शामिल थे उन लोगों के साथ। मलिक साहब आप जो बातें कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये होशरुबा तो हैं, पहले भी हम ऐसी बातें सुनते आए, लेकिन चाहे सैयद साहब से मैं जानूंगा जो इख्तियारात का शिकवा करते हैं वसीम अख्तर साहब, और आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि अगर आपके पास वाकई इख्तियार नहीं है तो 30 दिन में आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। शाही सैयद साहब से मैं जानूंगा कि कितना फ़र्क है इख्तियारात में जो मुस्तफ़ा कमाल के पास थे और जो वसीम अख्तर के पास नहीं है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हर जगह हर वक्त।